34 नंबर क्लास है, क्लास 9th, एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है। अब देखो आप लोग समझने की कोशिश करो, हम नए चैप्टर पे चल रहे हैं, ठीक है। आज आपका चैप्टर 4 चलेगा, चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, कोई बता रहा था कि अभी पिछले चैप्टर में कुछ छूटा है ना, ठीक है, देख लेता हूँ। 1.4 नहीं हुआ है, ये 3 चैप्टर खत्म हुआ तो 1 कहाँ से आ गया इसमें, हाँ, ये कौन से जमाना का अभी कौन बोल रहा था भाई, 1.4 नहीं हुआ है। ये पागल वागल है का कौन जो बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है सब हो गया इसके पहले का। अच्छा, वो 1.4 उत्तरोत्तर आवर्धन वाला, वो यहाँ लेंस वाला क्लास में चल नहीं पाएगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा वो ऑनलाइन में, और कोई देखेगा नहीं, तुम लोग वैसे भी तमाशा देखते हो, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन है, यहाँ लेंस वगैरह ला करके हम तुम्हें दिखाएंगे भी तो तुम 4 लोग देखोगे, बाकी लोग बात करोगे तो क्या मतलब है। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं, मतलब कि बच्चों सबसे पहले बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण ये होते क्या हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे, किताब में, और फिर पढ़ेंगे। क्या मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है, आवाज़ कम तो नहीं है ना, आवाज़ तो पूरा फुल आ रही ना भाई, कोई रिस्पांस दो तब तो मज़ा आए। देखो चलो ठीक है, तो ये चर क्या होता है, चर मीन्स होता है वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता जानते हो, ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी ये जेड तक जितने भी लेटर होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अंजलि शर्मा, मनोज, प्रियांशु, तनु, शिवम, अब तुम लोग कमेंट करते हो तब तो कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, बोलते नहीं हो, चुपचाप शांत हो जाते हो तो मज़ा नहीं आती। चलो देखिए साथियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले समीकरण में अंतर क्या होता है जानते हो, दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें और एक चर वाले में क्या है, एक चर होता है। जैसे देखो समझो, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 3x + y = 5, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, समझो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक चर x है एक y है, लेकिन अगर मैं लिखता कि 3x² या फिर मान लो स्क्वायर ना ही लिखूं, मैंने लिखा 3x + 5 = 0, तो ये एक चर वाला है, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, समझते चलो। देखो इसमें सिर्फ x है, y नहीं है, मतलब एक चर है, इसमें दो चर है, x भी है और y भी है, समझ रहे हो ना, तो ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। भूपेंद्र मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा, भारत विश्वकर्मा, ठीक है, नाभ्या, शिवम राजपूत, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके ठीक है। नीतीश कुमार, ठीक है नीतीश जी, बहुत अच्छे, चलो तो ये आप समझ गए कि नहीं, एक चर दो चर ये समझ गए। तो बच्चों देखो, अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले, वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग 9th में हो तो एक्सरसाइज पे चलना चाहिए,
पीछे ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है, चैप्टर पे चला जाए। ठीक है, आ जाओ, किताब खोल लो। एक्सरसाइज 4.1 आप लोग किताब खोलो। 4.1 तनु ठाकुर, ठीक है, समझ गई। क्वेश्चन देखिए किताब में क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब दो चर वाला, x और y दोनों के रूप में बनाना है। देखो समझो, एक नोटबुक, यहां पर दो चीज की बात हो रही, पहले यहां समझ लो। नोटबुक मतलब एक कॉपी है और एक कलम है, दोनों समझो। कह रहा नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। किसकी कीमत? नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। तो किसमें दो से गुणा करोगे पहले ये बताओ सभी, नोटबुक में दो से गुणा करोगे कि कलम में? आगे क्या कह रहा है? इस कथन की पुष्टि के लिए दो चरों वाला का रैखिक समीकरण लिखिए। मान लो कि इसका कीमत x मान लिए, इसका y मान लिए। जैसे कहा जाता है कि राम की आयु श्याम से दो गुनी अधिक है, मतलब दो गुनी है से, श्याम से, जिससे बोल रहा उसी में गुणा करोगे। जैसे कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की दोगुनी है, मतलब एक जो नोटबुक है वो खुद कलम के दोगुने के बराबर है, यानी कलम वाले में गुणा करोगे। किसमें गुणा करोगे? कलम वाले में ना। कोई तो नोटबुक में बता रहा है, हा? कोई नोटबुक में बता रहा है भाई। जैसे कहा जाता है ना, कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो कहा जाए कि वो जो मोटा वाला आदमी है वो चार लोग के बराबर है। क्या कहा जाए? कि चार लोग के बराबर है। तो अगर कहो चार लोग के बराबर है तो क्या करोगे भाई? देखो इसको किनारे रख दो, इसको मारो गोली, हटाओ इसको, छोड़ो छोड़ो इसको। देखो जैसे मान लो इधर, अब तुम समझो, बहुत मजेदार तरीका समझो। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? बहुत अच्छे समझो, ये एक बहुत ही मोटा सा भयंकर आदमी है। हाँ दिख रहा ना तुम्हें? ये बहुत ही मोटा सा तगड़ा आदमी है, बहुत ही प्यार से समझो समझने वाले। और एक ये पतला सा आदमी है, हाँ ये पतला सा है, दुबला पतला है। और ये इसकी वाइफ भी है साथ में, देखो इसके बाल भी निकाल दे रहा हूँ बड़ा बड़ा। अब तुम समझना। अब कहा जाए कि ये जो मोटा वाला आदमी है, ये जो मोटा वाला आदमी है, इन दोनों के दुगने वजन के बराबर है, इन दोनों के दुगने वजन के बराबर है। तो समझो, यहां ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि ये जो मोटा वाला आदमी है इन दोनों के दुगने वजन के बराबर है, यानी इनके बीच में हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। तो दो से गुणा किस में करेंगे? अरे ये मोटकौवा में कर देंगे तो ये और भारी हो जाएगा भाई साहब। इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे ना, समझ रहे हो ना? मोटा वाला आदमी इन दोनों पत्र के आदमियों के दोगुने वजन के बराबर है, यानी इनमें दो से गुणा करेंगे। ये चीज अब यहां से समझ लो, बात समझ में आया ना? ये तो पहले ही खतरनाक है मोटा, इसमें थोड़ी गुणा करेंगे। तो वैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की दोगुनी है, यानी नोटबुक जो है वो कलम की कीमत की दोगुनी है। भैया सीधी सी बात वैसे है कि कॉपी महंगी मिलती है, कलम सस्ती मिलती है, हाँ प्रायः नॉर्मल तरीके से यही तो होता है। कॉपी सस्ती मिलती है और कलम महंगी, ऐसा होता नहीं है भैया। देखो कॉपी और किताब महंगी मिलती है, कलम सस्ती मिलती है, तो जो कलम की कीमत है उसकी दोगुनी की बराबर है। चलो इसको लिखो। देखो यहाँ पे कहानी समझाने में टाइम लगता है, कोई भी चीज अगर आपको समझाया जाए तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सिर्फ अगर जल्दी जल्दी हल कर देना हो तो आसान होगा। तो चलो इसको हल करो।
पहला क्वेश्चन में लिखो, माना नोटबुक, माना नोटबुक की कीमत बराबर यक्स रुपया तथा कलम की कीमत बराबर वाई रुपया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया, यक्स को वाई के बराबर करना है बेटवा बाबू राजा। चलो, कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दो गुनी के बराबर है, यानी ये नोटबुक है ये कलम है, हाँ, तो ए में दो से गुणा करेंगे। यही समीकरण हो गया, यही आंसर हो गया, लेकिन इसको हम समीकरण बनाने के लिए ऐसे करेंगे, ये आंसर हो गया, बस यही करना था। बात समझ में आया ना? नाभ्या गुप्ता जी बहुत बहुत थैंक यू, ज्योति सिंगरौल, सुरजीत, राधिका, प्रियांशु, कुछ समझ में आया लिख लो। देखो ये सब बहुत ही समझने वाली चीज है, समझ के चलो बेहतर रहेगा, ठीक है, छाप लो, आगे बढ़ें। ये आपका था एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, जल्दी से बोलो, आया समझ में? यस भाई, देखो तुम यस या नो कुछ ना कुछ बोलते रहो, हूँ हाँ, तभी मज़ा आता है, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं करा है बच्चा तो लाइक ज़रूर करो बाबू। देखो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें आप समझते चलो। एक चीज़ और भी समझ लो, देखो आप लोग क्लास को अगर पूरा देखोगे तभी मज़ा आने वाला है, अगर क्लास को पूरा नहीं देखोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए क्लास को जब भी देखो पूरा देखो, किसी की क्लास देखो, कहीं से भी पढ़ो, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, मैं नहीं कहता कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर तुम पूरा टाइम नहीं पढ़ोगे भाई तो मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? आप किसी की क्लास में जाओगे 10 मिनट देख के 5 मिनट देख के भाग जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चा एनसीईआरटी किताब लिए हो ना भैया? एनसीईआरटी किताब लिए हो ना बाबू? चलो पहला क्वेश्चन देखो, लिए हो तो 2x प्लस 3y और बराबर ये है 9.35। भैया 5 के ऊपर बार भी लगा है। देखिए एक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इसे उसी रूप में लिखना है, समझ रहे हो ना? मुझे लग रहा कुछ ज़्यादा चमक रहा है, काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा चमकने दो। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है चमक रहा है। चलो देखो, अब समझो यहाँ से आप लोग, सही है ना? मज़ा आ रहा ना भाई? मज़ा आ रही ना? देखो कह रहा था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इसके रूप में व्यक्त करने का ये मतलब है कि पहले x वाला पद रहेगा, फिर y वाला रहेगा, फिर जो अचर पद है वो रहेगा, तब बराबर करके 0 करा जाएगा। तो चलो ठीक है, लिख लो यहाँ पर उपरोक्त समीकरण को। क्लास डेली शाम को 7 बजे गणित होती है, दोपहर 3 बजे से साइंस होता है, आज साइंस की जगह पर भी मैथ चल रही है, ठीक है। चलो पहले कुछ ये लिख लो, मानक रूप या फिर
इसे वो भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो के रूप में व्यक्त करने पर। तो चलो कर लो भाई, ax मतलब 2x, by मतलब 3y, प्लस c का मतलब ये जो है चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, जरूरी नहीं कि प्लस में ही रहेगा, मतलब ये बराबर के इधर आ जाए बस। तो ये बराबर के इधर आएगा, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल जीरो, बस हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ से अगर मान निकालेंगे भैया x का तो क्या होगा? x का तो नहीं निकालना है, a का निकालना है। a का गुणांक क्या है यहाँ पर? b का और c का, सब निकालना है, ठीक है? तो मान निकाल लोगे कि नहीं भाई? a का मान b का और c का 3 पूछा था, तो चलो यहाँ से निकाल लो। a का जगह पे यहाँ पे देखो 2 है, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान माइनस में 9.35 हो जाएगा, 5 के ऊपर बार होगा। गीता जितेंद्र, नहीं समझ में आया क्या? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखो, ठीक है? अंजलि शर्मा, मनोज, साइंस का क्लास का टाइम डेली शाम को 3 बजे, साइंस का क्लास हर दिन शाम 3 बजे, जल्दी लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो गया टाइम ओवर। और जो चुपचाप देख रहा है भाई, क्लास को लाइक नहीं किया बाबू, देखो लाइक करो क्लास को, ऐसे मजा नहीं आ रही। लिख लिए हो तो आगे बढ़े। आगे चलें, लिख लिए हो ना? क्लास को सभी लाइक करो एक एक। सूरज यादव ठीक है, अच्छा है, चलिए। तो ये हो गया आपका। इसी तरह से इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से, तो बहुत सारे इक्वेशन दिए गए हैं, सबको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनके वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जैसे एक थी बताया वैसे, और कैसे? चलो दूसरे वाले में आ जाओ। एक्स माइनस वाई बाई फाइव, एक्स माइनस वाई बाई फाइव ऐसे है का? हाँ, माइनस 10 बराबर 0। इसमें भी कह रहा कुछ ऐसे ही करने को, कौन कौन कर लेगा भाई? चलो इसकी भी कंपेयर करो फटाफट, पेन तो बहुत सारी है यहाँ पर, सब इसी में खो गई। इसको भी क्या करेंगे, मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है? मानक रूप क्या है इसका? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो होता है, ये आपका एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, एक चर राशि वाला, ओ सॉरी, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। तो इसके रूप में लिखने का मतलब यही है, ये वैसे पहले से भी लिखा गया था, यानी ए एक्स का मान होना चाहिए बी वाई का, और सी का मान होना चाहिए, सब बराबर के पहले ही होने चाहिए, बराबर सी जी मतलब जीरो होना चाहिए बस। ये चिन्ह नहीं बदलेगा, नहीं तो कुछ लोग सोचें कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कर देंगे, नहीं, ये इसके रूप का हो गया, ठीक है? यहाँ आगे लिख लो, से तुलना करने पर लिख लो डायरेक्ट, बस तुलना करने पर। तो भैया ए एक्स का अगर आप एक्स के बराबर करोगे तो यहाँ पर ए का मान क्या आएगा जानते हो? सोच के बताओ क्या आएगा, सभी लोग जल्दी बताओ कंपेयर करके। देखो भाई, अगर ए एक्स को तुम एक्स के बराबर करोगे
तो यहां से ए का मान आएगा वन, वही प्रक्रिया यहां भी करोगे। अगर वी का वैल्यू निकालोगे तो यहां पर आप देखो एक बटा पांच आएगा इसका जो भी गुणांक है साथ में, और माइनस में आएगा। माइनस वन अपान फाइव। और अगर सी की बात करें तो सी क्या आएगा, माइनस दस आएगा। बात समझ में आया ना? कोई जीरो बता रहा, देखो बट्टा जीरो नहीं होता कोई भी, कोई भी इसमें जीरो नहीं आएगा। सी जीरो कैसे आएगा, दस दिया नहीं है, सी की जगह पे तो दस दिया है ना पहले से ऑलरेडी। भारत विश्वकर्मा ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लो, सी जीरो कैसे आएगा बेटा अगर दस दिया है तो। चलो ठीक है, हो गया आपका सेकंड। सभी चिन्ह वही रहेंगे जो इसमें लगे हुए हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, सब सही है बिल्कुल। ये सी के माइनस में दस आएगा, ये माइनस में एक बटा पाँच आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो जल्दी करो फटाफट। हो गया राधिका, आया समझ में? गोपी चंद आया समझ में? मिटा दें, अगले पार्ट पे चलें। यही प्रक्रिया सब में करोगे, हर क्वेश्चन में यही प्रक्रिया होगा। गीता जितेंद्र बोल रहे हैं वन क्यों आया, वन क्यों आया, देखो वन क्यों आया, देख लो अब देख इन लोग काहे को आया। यहाँ देखो ये ए एक्स है और ये यक्स है, इन दोनों की कंपेयर करने का ये मतलब है कि इन दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब ए एक्स को यक्स के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझो अब इतना, बस ये इतना समझो इतने में। यहाँ से जब ए का मान निकालोगे तो यक्स इधर पहले से है, दूसरा वाला यक्स इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ए बराबर आएगा एक बटा एक। तो ए का मान यहाँ से वन आएगा, देखो तुम्हें ना दिख रहा होगा नीचे, ये वन अपान वन हल करोगे तो वन आएगा, समझ में आया ना? इसी तरह से ए का मान वन आया था, इतना पूरा घेरा हूँ गोला में उसी में कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो ए का मान अभी वन लिखा था मैं, इसीलिए आया था, ये आया है। इसी तरह से जैसे इसको कंपेयर करा हूँ ऐसे इसको भी करोगे बच्चा, ये बी वाई बराबर ये वाई बटा पाँच करोगे माइनस में, इनको हल करोगे जैसे मैंने उसको किया है, तो यहाँ से तुम्हें बी का मान मिलेगा माइनस वन अपान फाइव। बात समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो लिख लो। तो इस तरह से होता है, अगर आप ध्यान दोगे स्टार्टिंग से तब समझ में आएगा, बीच कुछ से समझ में नहीं आता है कि आके फाट पड़े कहीं से तो आ जाएगा, समझना पड़ता है, ठीक है। सबको आया समझ में? इस तरह से सभी कर लोगे कि नहीं अब? हाँ कर लोगे ना? चलो ठीक है, ओके। अब क्या बचा है फिर? अच्छा तुम लोग बताओगे मुझे, इसका तीसरा पार्ट देखो, माइनस दो एक्स धन तीन वाई, माइनस दो एक्स धन तीन वाई बराबर छ। चलो इसमें कंपेयर करके मुझे ए का मान बताओ कोई, राहुल कुमार बताओ, आप ही बताओ, गोपी चंद
अंजलि, राधिका, तनु, शिवम, गीता, बताइए सभी इसमें मुझे ए बी सी का मान बताओ जल्दी से। हर कोई बताएगा जैसे मैं दो तीन बताया हूँ वैसे तुम्हें करना है। चलो करो, चलो फटाफट करो। ए बी और सी का मान बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट बताओ ए बी और सी का मान। अभी ये बार बार छोड़ का है रहा है, टिक टिक। रोहित विश्वकर्मा ने सबसे पहले बताया है ए का मान माइनस दो, बी का मान तीन, सी का मान छः। देखो सही तरीके में बताओ तब समझ में आएगा, और मैं चल रहा हूँ, हील डोल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, मुझे लग रहा है इधर कैमरा थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, हाँ क्योंकि दिखता नहीं है, या फिर इसे थोड़ा और उधर लिखना चाहिए। ठीक है, जो भी बताया है ठीक है। देखो समझो मैं बता रहा हूँ कैसे करा जाता है। देखो भैया, इसकी जो मानक रूप होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर होती है, तो ए एक्स की जगह पर इसमें क्या है, देखो माइनस दो एक्स है, बी वाई की जगह पे तीन वाई है, और सी सी की जगह पर अचर पद छः है। तो कंपेयर करने का मतलब होता सीधा सीधा बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान आएगा माइनस दो, और बी का मान आएगा तीन, और सी का मान आएगा छः। ये आंसर होता है क्योंकि ये कंपेयर करने का मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाता है। आगे चले, यक्स बराबर दो आई, तीन वाई है, इसमें मुझे सारे मान बताओ। इसमें मुझे सारे मान बताओ निकाल के, देखिए कौन कौन बता रहा है। चलिए बताइए, जल्दी करिए। यक्स इक्वल थ्री वाई, इसमें सारे वैल्यू बताइए आप। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गौरव सिंह, सभी बच्चे क्लास को लाइक करते जाओ बाबू। देखो ऐसे मजा नहीं आती, अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। क्लास को फटाफट लाइक करते जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो एक पैसे का भी। सी का माइनस छः होगा गौरव सिंह बेटा, देखो यहाँ पे, हाँ इसमें वाले में ना, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में होगा, ये माइनस तो होगा ही, इसमें माइनस छः होगा। ठीक है, सरवन कुमार, बी का माइनस तीन होगा, सी का जीरो होगा। जल्दी जल्दी करो भाई, ऐसे पाँच घंटा तुम बताओगे तो हो गया, फिर हो गया ना, तो हम सुनी पाएंगे ना, तुम बता ही पाओगे। जाओ जानो, छोड़ो, जाने दो। पहले इनको हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो यक्स माइनस तीन वाई बराबर जीरो बचेगा। इसका मानक रूप होता है ए एक्स धन बी वाई धन सी इक्वल जीरो होता है भाई साहब। अबे ये तो एकदम गंदा कर दिया आपने। अब देखो यहाँ से समझो, तो ए एक्स धन बी वाई धन सी इक्वल जीरो होता है। यहाँ से ये समझो कि यक्स वाला पद तो इसमें है, वाई वाला भी है, लेकिन सी वाला इसमें कोई पद है ही नहीं। हाँ, तो ए एक्स से यक्स को कंपेयर करोगे बेटा, तो ए का मान वन हो जाएगा। बी वाई से तीन वाई के कंपेयर करोगे तो इसका मान माइनस तीन हो जाएगा, माइनस में है, और सी का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी का मान कुछ है नहीं उसमें। बहुत ध्यान से जो समझ रहा उसे समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं समझ रहा उसे समझ में आएगा भी नहीं इतना आसानी से। जो क्लास को शुरू से देख रहा है वो पक्का समझ रहा होगा, है ना।
और जो शुरू से नहीं देख रहा, ढंग से नहीं पढ़ रहा है, फिर वो जाने, उसका काम जाने, हम नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने लोग को ये नहीं समझ में आया कैसे आया है? जिसको नहीं आया वो नो लिख के कमेंट करे, यन ओ नो। जिसको ना आया वो यन ओ नो लिख के कमेंट करे कि हाँ मुझे नहीं आया, मैं जानू कि हाँ किसको किसको ना आया। जल्दी बताओ, कोई है ऐसा जिसको ना आया हो? सबको आ गया ना भैया? या तो वो अभी अभी आया होगा या फिर ना पढ़ने वाला होगा, ऐसे ही कुछ है। तो एकाध जो इसमें खच्चर टाइप के हैं मैं बता देता हूँ फिर से, जितने गधे हैं वो फिर से सुन लें। गधों ध्यान दो, गधों ध्यान दो, गधों ध्यान दो, फिर से सुनो, इधर सुनो। देखो ए का मान वन कैसे आता है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, इधर खोपड़ी कर लो। जो इसका मेन समीकरण है ये ए है ना, यक्स माइनस तीन वाई, इसमें यक्स वाले से इसके यक्स वाले पद की तुलना करते हैं। समझो चाचा, इधर समझो। तो यक्स वाला पद की तुलना ए यक्स वाले से करेंगे, ठीक है? तो ए यक्स बराबर क्या होगा? यक्स, समझ रहे हो? ये ए यक्स सूत्र वाला है और ये जो मेन क्वेश्चन वाला यक्स है, इन दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ से ए का मान निकालते हैं, तो ये x ऐसे जैसे रहता वैसे लिख जाता है और ये x इधर भाग में हो जाता है। अब इतना तो तुम जनबे करते हो, इतना बड़ा खच्चर तो हो नहीं नबे, हाँ? इस तरह से a कमान वन आता है, समझ में आया? इस तरह से a कमान वन आता है यहाँ पे जो आया है, मत कहना कैसे आया। इसी तरह से बच्चा दूसरे वाले को करोगे b वाला मान निकालने के लिए, और फिर इसी तरह से सी वाला मान निकालने के लिए भी तुम करोगे। तो तरीका वही है सब में। अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे? बी वाई को बराबर करोगे माइनस तीन वाई के, समझ लो। यहाँ से नहीं समझ में आया तो आपकी लप्पड़े लप्पड़ मारेंगे, जान लो, काने कहीं हवा निकल जाए। फिर अगर बोला कि ना समझ में आया, देख लो इधर। अब यहाँ से क्या करोगे? बी का मान निकालोगे तो ये माइनस का तीन वाई वैसे लिखा रहेगा और ये वाई इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा ऐसे, समझ में आया? अब ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो बी का मान माइनस तीन आएगा। ये माइनस तीन लिखा था, कुछ सोना चांदी दूसरा नहीं लिखा था, समझ में आया? और सी का मान जीरो आया है क्योंकि ये है नहीं सी कहीं, ठीक है? ये तो यहाँ वैसे लिखा था, सूत्र में था, सी का कोई था नहीं इसमें, आगे पीछे, हाँ, आगे नाथ ना पीछे पगहा वाले थे ये, इनके कोई नहीं था इसलिए जीरो था। क्योंकि देखो सूत्र वाले में तो सी है लेकिन मेन जो इक्वेशन है इसमें सी का कोई मान है नहीं, इसलिए जीरो आया। ये तरीका होता निकालने का। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो सीख गए होगे, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कोई सिखा भी नहीं पाएगा कभी लाइफ में, समझ रहे हो ना? पढ़ना चाहते हो तो तुम सीख गए होगे, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई सिखा भी नहीं पाएगा। चलो विनोद पाल, आया समझ में? तो मैंने इसको लीप पोत दिया, चलो ठीक है, हो गया। अब इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा इक्वेशन कर लो तो अच्छा है, मैं क्या बताऊं एक एक इसमें, सभी कर लोगे ना भैया? किताब का जितना है सब कर लोगे ना चैप्टर चार में पहला एक क्वेश्चन में, कि ना कर पाओगे अभी भी? हाँ सभी कर लोगे ना बचा हुआ? देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी हर एक एक्टिविटी सिर्फ पढ़ाई पे होगी, तो वो थोड़ा समझाने पे भी समझ जाते हैं। कुछ ऐसे नालायक होते हैं गधे टाइप के, उनका दिमाग पढ़ने में होता ही नहीं है, वो कुछ और करते रहते हैं, कहीं चैटिंग कर रहे हैं, कहीं दूसरे का मैसेज देख रहे हैं, कहीं दूसरे का डीपी देख रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, बस उनका वीडियो चल रहा है, बस उनसे इतना मतलब है।
तो फिर उनको समझाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तीन यक्ष धन दो बराबर जीरो, इसमें जो बता देगा हम जान लेंगे वो पढ़ रहा है। चलो चचा इसमें तीनों का मान बता दो तो एबीसी का, जल्दी बताओ ए बी सी तीनों का मान बताओ इसमें जल्दी से, तो मैं देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। जल्दी करिए, देर मत करिए, तुरंत बताइए। कंपेयर करना है बेटा इनको, सामान्य समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चा। चलो जल्दी लगे रहो फटाफट, देखते हैं कितना स्पीड में बता रहे हो तुम। चलो सबसे पहला कौन खिलाड़ी आया है मैं देख रहा हूँ, जल्दी बता दो बेटा कंपेयर करके इनसे। ए बी और सी तीनों मान बताने हैं। रोशन कुमार सबसे आगे निकल गए हैं, इनका ए का मान तीन आ गया है, बी का मान दो आ गया है, सी का मान जीरो आ गया है। रोशन कुमार के जस्ट पीछे लगे हैं रोहित विश्वकर्मा, इनका भी आया है, मनोज का भी आ गया, राधिका, मोहम्मद, तारिक, गोपी चंद, नीरज, गौरव, विनोद, राहुल और शिवम, बाकी के एकदम नालायक है, महानालायक है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब तुम लोग पीछे हो गए तो हो गए, अब तुम बताओ चाहे ना बताओ। हाँ भाई तुमको कोई बारात का न्योता दिया है तुम्हारा दोस्त, अब दुलाइन लेके लौट आया तो तुम अगले दिन बाराती जाओगे तो कहाँ दूसरी जगह बारात ले जाएगा, कहाँ टाइम खत्म हो गया ना, तो बस वैसे यहाँ पे था टाइम ओवर हो गया। तो ए का मान तीन आएगा, बी का मान भैया बी बी का कोई है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे देखो यक्स वाला पद है, वाई वाला पद है नहीं, इसलिए वाई वाला पद नहीं है तो बी का मान जीरो। हमेशा सी जीरो होता था, आपकी देखो इसके चचा यहाँ बैठे हैं, अचर पद जिसके साथ कोई भी एक्स वाई ना हो वो सी का मान होता है, दो है। समझ में आया, आया समझ में ना भैया विपिन पटेल। देखो एक चीज और समझो, अच्छा ये बताओ हो अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते तो क्या बदलता उत्तर में, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, आप बताओ इसमें क्या बदलाव हुआ आंसर में, कहीं कुछ बदलता क्या, बताइए जल्दी बताइए। शाम को 7 बजे फिर से गणित की क्लास चलेगी, कक्षा 9 वाले बच्चे कान खोल के सुन लो, शाम को 7 बजे से गणित की क्लास का टाइम है, रोज चलता है 7 बजे, ये तो 3 बजे आज मैं वैसे फोकट में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि साइंस की क्लास का टाइम था, साइंस की क्लास नहीं चल सकी तो मैंने सोचा चलो मैथ ही पढ़ा देते हैं। क्या बदलेगा, गोपी चंद कह रहा -2 हो जाएगा, तुम लोग बहुत खच्चर टाइप के हो, सी का मान बदल जाएगा ये बोलो, ठीक है -2 जो बोल रहा है ना सब गलत है, सी का मान बदल जाएगा, सी का मान -2 हो जाएगा, बस यही बदलेगा बाकी कुछ ना बदलेगा, ठीक है समझ गए ना। पहले मुझे बताओ कौन इसमें नया आया आज पहली क्लास में, जो इसके पहले की क्लास में ना जुड़ा रहा हो, कोई ऐसा शैतान हाजिर है यहाँ जो नया नया हो, 2x बराबर -5 भाई, रुके रहो लिखने दो, -5y। चलो बेटा इसमें बता दो तो यक्स वाई दिया है, ए बी और सी का मान बताओ, ए बी और सी का मान बताओ इसमें से कंपेयर करके, जल्दी बताइए। हर एक बच्चा बच्ची बताएगा पढ़ने वाला जो है, हाँ जिनको टॉप करना है बोर्ड एग्जाम में, नाम करना है अपने माँ बाप का, घर परिवार का, देश विदेश का, वही बताएगा। चलो जल्दी बताओ, जिसका कोई नाम ही नहीं है उसका क्या नाम लिया जाए, हाँ
बेटा नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है, समझ रहे हो ना लल्लू? तुम फीलिंग वाले वीडियो डालते डालते तुम खुद फीलिंग बन जाओगे और तुम्हें कोई समझेगा नहीं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, यहाँ से कंपेयर करके बताना था। इसमें सबसे पहले गोपी चंद ने बताया, मुझे लग रहा है भाई गौरव सिंह बताए थे, ए का दो बी का पाँच, अच्छा अच्छा सी का जीरो, ठीक है। गौरव सिंह, गोपी चंद, मनोज, तनु, रोहित, रोशन, शिवम, प्रियांशु, राधिका, नीरज, अंजलि, भारत, विनोद, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कह रहे हैं कि बी का मान निकाल दीजिएगा प्लीज। अरे चचा लोग, इसको निकाल ना पाओगे तुम लोग, ये समीकरण सीधा सीधा कर लो तो 2x + 5y बराबर जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस पांच वाई इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया सीधा सीधा। ए एक्स का मान दिया है, बी वाई का मान दिया है, सी का मान दिया ही नहीं है, तो सी का जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर तुम ए एक्स को 2x के बराबर करोगे तो ए का मान 2 आएगा, अगर बट्टा 2, अरे उसको तो हटाओ, 5y को बी वाई के बराबर करोगे, 5y को बी वाई के बराबर करोगे तो b का मान 5 आएगा, बस हो गया, c का कोई नहीं है तो जीरो, c का कुछ नहीं है तो शून्य हो गया। बात समझ में आया ना सबको? तो फिर आज का क्लास खत्म किया जाए, 4 बज गया है। प्रत्येक शाम 3 बजे से 4 बजे तक आप कक्षा 9 का साइंस पढ़ते हैं और आज साइंस की जगह पर मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है। 7वां बताने को बोल रहा है कोई भाई, 7वां सबसे बड़ा खतरनाक है। हाँ रोहित, नहीं कर पाओगे 7वां y - 2 = 0। अरे ये 7वां y - 2 = 0, चलो बताओ तुम लोग, तो कितना आसान है, कितना आसान है, जल्दी बताओ तो इसका बताओ तुम लोग तो भाई, इसको तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैरान है, चलो जल्दी बताओ। इसमें देखो ए का मान दिया नहीं है, बी का मान, सी का मान, बी की जगह पे वाई है अकेले, सी की जगह पे 2 है, ए का मान नहीं है, बस और क्या भाई साहब, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर करोगे, ए का कोई मान है ही नहीं तो ए का मान 0 हो जाएगा। डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होता रहता है यार बार बार, ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है ये आराम खोर कहीं का। देखो इधर बी वाई को वाई के बराबर करोगे तो भाई करके देख लो, ये लो बी का मान निकालो, 1 आएगा, सी का मान देखो -2 दिया है पहले से, ये पता नहीं क्यों बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है, 2 सेकंड फिर कनेक्ट हो जाता है। अब मुझे इसको कुछ बोलने का मन करता है इस वजह से। चलो ठीक है, फिर हो गया, कोई परेशानी किसी को, कोई प्रकार की आफत नहीं ना, तो लिख लो, ये आपका 4.1 चैप्टर भी ख़त्म हो गया भाई, एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, 4.1 ख़त्म हो गया, 4.2 कल पढ़ लेना, कक्षा 9 का ही तो है ना ये, 10 का नहीं है।